आज परमेश्वर ने हम सबको फिर एक अवसर दिया कि हम उसके साथ समय व्यतीत कर सकें और उसको महिमा दे सकें। ये प्रभु ही हमें आपको मौका देते हैं, ये प्रभु ही हमें आपको ये अवसर देते हैं कि हम उसका धन्यवाद आत्मा और सच्चाई से करें। यूहन्ना अध्याय 4:24 में तो आज हम फिर से एक साथ एक साम में प्रभु के साथ प्रभु के वचन के साथ हम दिन भर की प्रार्थनाएं दिन भर के तमाम प्रायश्चित के साथ और प्रभु से समय बिताते हुए इस आखिरी शाम में जब हम परमेश्वर की इस गहरी उपस्थिति में अपने आप को समर्पित करते हुए अपने आप को अर्पित करते हुए दिन भर के इस शाम को जब हम अपने आप को प्रभु के सामने तैयार करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारी चीजें होती हैं। दिन भर में आपने क्या क्या चीजें की हैं, आपने क्या क्या चीजें पाई हैं, क्या क्या चीजें आपने खोई हैं, क्या क्या चीजें आपके जिंदगी में हुआ है, तो निश्चय ही परमेश्वर का एक विशेष अनुग्रह है जो उसकी दया और उसकी आत्मा के द्वारा हमें प्राप्त होता है। तो आज एक बार फिर से हम उस परम पिता के साथ एक नए होने के लिए ऊर्जावान होने के लिए हम अपने आप को तैयार कर पा रहे हैं। उसके वचन के साथ एक गहरा रिश्ता एक गहरा नाता परमेश्वर के साथ हम लोग प्रभु के वचन के साथ कर रहे हैं तो निश्चय ही अपने आप को हमें तैयार करना है और उसको महिमा देना है, क्योंकि वह जो अद्भुत है और जो अद्भुत युक्ति करने वाला है, उसकी जो करुणा है वो सदा की है, उसकी जो अलौकिकता है वो सदा की है। तो आज परमेश्वर के एक और नए आत्मिक अनुभव के साथ हम उस प्रभु के साथ अपने समय को व्यतीत करेंगे। जैसे जैसे हम प्रभु के उस आगमन के निकट आ रहे हैं वैसे वैसे परमेश्वर की जो एक करुणा है और उसकी जो एक दया है हमारे आपके बीच में दिखाई दे रही है। जैसे जैसे उसके आत्मिक अनुभव में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हमारी प्रार्थनाएं हमारे जीवन की पवित्रताई हमारे जीवन की सच्चाई जब हम प्रभु के सम्मुख अपने आप को लेकर आ रहे हैं तो परमेश्वर का जो एक प्रगटीकरण है, परमेश्वर का जो एक अलौकिकता है, उसका जो एक सामर्थ्य है वो उसी तरीके से आपके जीवन में भी प्रकट होता है यीशु के नाम में। हालेलुया। तो हमारे साथ इस वचन को आज हम लोग आगे पढ़ेंगे, परमेश्वर के दूसरा राजा अध्याय 8:1 से लेकर के हम 6 तक हम पढ़ेंगे। इसे ध्यान से आप लोग समझिए। बाइबल कहती है कि जिस स्त्री के बेटे को एलीशा ने जिलाया था उससे उसने कहा कि अपने घराने समेत यहां से जाकर जहां कहीं तू रह सके वहां रह, क्योंकि यहोवा की इच्छा है कि अकाल पड़े, यहोवा की इच्छा है कि अकाल पड़े और वह इस देश में 7 तक वह अकाल बना रहेगा। वचन 2 को देखेंगे तो लिखा है कि परमेश्वर के भक्त के इस वचन के अनुसार परमेश्वर के भक्त के इस वचन के अनुसार वह स्त्री अपने घराने समेत पलिस्तियों के देश में जाकर 7 रही। ओके, वचन 3 को अगर आगे देखें तो 7 बीतने पर वह पलिस्तियों के देश से लौट आई और अपने घर और भूमि के लिए दुहाई देने को राजा के पास गई। हालेलुया, राजा के पास गई। और फिर आगे पढ़ेंगे वचन 4 में, आइए देखिए, राजा परमेश्वर के भक्त के सेवक गेहजी से बातें कर रहा था और उसने कहा कि जो बड़े बड़े काम एलीशा ने किए हैं उनका वर्णन मुझसे कर। हालेलुया। वचन 5 को पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है, जब वह राजा से यह वर्णन कर ही रहा था कि एलीशा ने एक मुर्दे को जिलाया, तब जिस स्त्री के बेटे को उसने जिलाया था वह आकर के अपने घर और अपनी भूमि के लिए राजा से दुहाई देने लगी। और तब गेहजी जो एलीशा का सेवक था उसने कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, यह वही स्त्री है, यही और यही उसका बेटा है जिसे एलीशा ने जिलाया था। आगे पढ़ेंगे वचन 6 में, जब राजा ने स्त्री से पूछा तब उसने उस सारी बातों को उसके सामने कह दिया। और तब राजा ने एक हाकिम को यह कहकर आदेश दिया कि इसके साथ जाइए और जो भी इसके जमीन ले लिया गया है, जो भी इसका जमीन राजा ने अपने हाथ में ले लिया था, इस सब को इसको क्या कर दिया जाए, वापस दे दिया जाए, वो भी आमदनी के साथ। ध्यान से सुनिएगा, वचन है आमदनी के साथ, इस स्त्री का सारा जो जमीन था और जो इस जमीन से आया हुआ आमदनी था वो सारी चीजें इस स्त्री को वापस कर दी जाए, सुने में स्त्री को वापस कर दी जाए। ओके, आगे पढ़िएगा वचन 7 में लिखा है कि एलीशा दमिश्क को गया और जब आराम के राजा
बिन हदद जो रोगी था, हालेलुया, छे तक ही हम इसको देखेंगे, आगे नहीं, छे तक ही हम देखेंगे, जब से इसने देश को छोड़ दिया तब से इस खेत की जितनी आमदनी अब तक हुई हो सब इसे फेर दें। देखिए यहाँ पर वचन जब हम पढ़ रहे हैं इसको, तो एक बातों को ध्यान से रखना। पहला सवाल यह कि सुनेमिन स्त्री कौन है? वो एक धनवान स्त्री है जिसके पास संतान नहीं था, और एलीसा उसके घर के सामने से आया जाया करता था, तो सुनेमिन स्त्री की इच्छा हुई कि इसे क्यों ना हम अपने घर पर रहने के लिए जगह दें, शरण दें, क्योंकि ये प्रतिदिन हमारे रास्ते से आया जाया करता है। तो वहाँ पर सुनेमिन स्त्री ने जगह दिया था रहने के लिए, और एलीसा ने वहाँ पर उसके ऊपर दया हुई परमेश्वर की, और एलीसा ने कहा कि तेरे एक संतान होगा। आखिर में वो संतान उससे मिलता है, पर वहाँ पर कुछ अकाल की परिस्थितियाँ आती हैं, और अकाल की परिस्थितियाँ आने के कारण वो उस अपने देश को जो है 7 साल के लिए छोड़ करके पलिस्तियों के देश में चली जाती हैं, और उसको विश्वास होता है कि आने के बाद सब कुछ अच्छा होगा। पर याद रखिए कि जो सुनेमिन स्त्री है और जो एलीसा का एक रिश्ता है, स्पिरिचुअली रिश्ता है, पर इसको समझिएगा ज़रा ध्यान से, तभी आपके बातें समझ में आएंगी, और जब समझ में आ जाएंगी तो इस वचन से हमें आशीर्वाद भी हमारे लिए आएगा। अगर हम यहाँ देखें तो लिखा है कि जिस स्त्री के बेटे को एलीसा ने जिलाया था उसने उससे कहा कि अपने घराने समेत यहाँ से जाकर जहाँ कहीं तू रह सके वहाँ रह, क्योंकि यहोवा की इच्छा है कि अकाल पड़े और वह इस देश में 7 वर्ष तक बना रहेगा। 7 वर्ष तक अकाल बना रहेगा, इसलिए एलीसा ने उस सुनेमिन स्त्री से कहा कि तुझे अब इस राज्य से चले जाना है, क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर अकाल डालने वाला है, अकाल पड़ने वाला है, वो भी 7 साल का अकाल पड़ेगा। तो जब सुनेमिन स्त्री को यह चीज़ पता चल जाती है तो वो एलीशा नबी की बातों को मानती है, क्योंकि वो एलीशा से उसका एक बहुत ही आत्मिक रिश्ता है, आत्मिक रिश्ता है, जब इसके संतान नहीं था तब से ही उसका एक आत्मिक रिश्ता है, और एलीसा की सेवा करने के कारण ही हम देख पाएंगे कि उसकी ज़िंदगी में प्रभु ने आशीर्वाद दिया है, लंबे समय के बाद उसे एक संतान आया है। पर वो संतान किसी बीमारी के कारण मर गया था, उसे दर्द हुआ सर में और वो मर गया था, फिर एलीसा ने उसे जिंदा भी किया था, और वहां हम देखेंगे कि वो स्त्री 7 साल के अकाल के बाद वो वहां से, 7 साल का अकाल पड़ता है तो वो एक पलिस्तियों के देश में चली जाती है रहने के लिए। लेकिन जब वो वहां से वापस आती है तो उसे पता चलता है कि उसकी जमीन और उसका जो प्रॉपर्टी था वो सब राजा के हाथ में चला गया है, राजा के पास चला गया है, क्योंकि 7 साल बहुत होता है, वो ज़मीन खाली पड़ी हुई थी, उस पर कोई था नहीं, उस पर कोई खेती नहीं कर रहा था, वहाँ कुछ हो नहीं रहा था चूँकि अकाल पड़ा हुआ था। तो इस तरह राजा ने सारी भूमि पर अपना नियंत्रण ले लिया था, सारी भूमि पर राजा का कब्जा हो चुका था, और 7 साल के बाद जब अकाल खत्म होता है तो सुनेमिन स्त्री आती है और देखती है कि मेरा वहाँ पर ज़मीन नहीं है, वो राजा के पास चला गया है, तब वो सीधा दुहाई देते हुए राजा के पास आती है। देखिएगा ध्यान से, राजा के पास आती है, और जब राजा के पास आती है तो उस ठीक उसी समय जिस समय वो स्त्री राजा के पास आकर दुहाई देने के लिए राजा के सामने खड़ी होती है, ठीक उसी समय एलीसा नबी का जो सेवक है गेहजी, वो भी राजा के सामने इसी स्त्री के बेटे के चमत्कार के बारे में वर्णन कर रहा था, ठीक उसी समय, जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक उसी समय। और जैसे जब गेहजी इस सुनेमिन स्त्री के बेटे के बारे में चर्चा कर रहा था कि हाँ एलीसा ने सुनेमिन स्त्री के बेटे को जो मर गया था और उसे जिंदा कर दिया, जरा ध्यान से सुनिएगा, एलीसा ने जिंदा कर दिया, ये राजा को जब एलीसा गेहजी जो है बता रहा था, तभी उसी टाइम में सुनेमिन स्त्री भी पहुंच जाती है, और वो जब वो चिल्ला चिल्ला कर दुहाई देने लगती है तो गेहजी कहते हैं अरे राजा यही है वो स्त्री, यही है वो स्त्री जिसके विषय में मैं बातें कर रहा हूं, यही स्त्री है, इसी से पूछ लीजिए। और फिर राजा जो है उस सुनेमिन स्त्री से एलीशा के उस चमत्कार के बारे में, उस मरा हुआ बेटा जो जिंदा हो गया उसके बारे में वो पूछ लेता है, और वह 5 पद में लिखा है कि जब वह राजा से वर्णन कर ही रहा था तो एलीसा ने एक मुर्दे को जिलाया, तब जिस स्त्री के बेटे को उसने जिलाया था वही आकर के अपने घर और भूमि के लिए दुहाई देने लगी। तब गेहजी ने कहा हे प्रभु हे राजा, यह वही स्त्री है और यही उसका बेटा है जिसे एलीसा ने जिलाया था। तब क्या था,
तब राजा ने स्त्री से पूछा, क्या यह सही है? तब राजा ने हाकिमों को कहकर उसके साथ यह कर दिया कि जो कुछ इसका था, वरन जब से इसने देश को छोड़ दिया है तब से लेकर के इसके खेत की जितनी आमदनी है, जितनी आमदनी इसके जमीन से लिया गया है, इसको उस आमदनी समेत इसको वापस कर दिया जाए। हालेलुया। तो आपको क्या समझ में आता है यहां पर, समझाना है। कुछ लोग समझ पा रहे हैं, कुछ लोग नहीं समझ पा रहे हैं। यहां अगर हेडिंग को अगर देखें तो लिखा है कि सुनेमिन स्त्री को भूमि की वापसी, और भूमि की जो वापसी हुई है उसे जो भूमि मिला हुआ है वो कैसे भूमि मिल गया, राजा ने क्यों वापस कर दिया भूमि, आप जरा समझिएगा इस बात को। देखिए, हम जब हमारी एक संगति आत्मिक तौर तरीके से होती है, और जब हम एक आत्मिक जीवन को जीते हैं, आत्मिक जीवन एक शक्ति है, एक सामर्थ्य है, और आत्मिक जीवन जब जीते हैं तो हमारे जिंदगी का समस्याओं का जो समाधान होता है वह स्पिरिचुअली होता है, या हम सुपर नेचुरल कहते हैं उसको, एक अलौकिक दशा कहते हैं। बाइबिल अलौकिक है। जब इस अलौकिक वचन के साथ, और वचन बताने वाला जो था वो एलीसा था, जो नबी था वो एलीसा था, और उस एलीसा जो था वो एक अलौकिक दशा में जीने वाला व्यक्ति था, उसका और जो परमेश्वर का जो रिश्ता था वो बड़ा ही अटूट था, बड़ा ही गहरा था, और उसी एलीसा से एक आत्मिक संबंध किसने बनाया था, सुनेमिन स्त्री ने। उसके परिवार का भी एक आत्मिक संबंध था, एक पवित्रताई का संबंध था, क्योंकि जब भी एलीसा उस रास्ते से होके जाया करते थे तब वो सुनेमिन स्त्री की इच्छा हुई कि इस प्रभु के दास को हम अपने घर में क्यों ना ही शरण दे दे, कि क्योंकि ये प्रतिदिन इस रास्ते से होकर जाता है, और इसे ये कहाँ जाता है पता नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि इसे अपने ही घर में शरण दे दिया जाए, ऊपरी कोठरी दे दिया जाए, और ये वहीं पर रहने पाए, और वहीं पर इसके लिए हम सारी सुविधा करेंगे, एक सेवा भाव की सुविधा। तो वहीं से एक रिश्ता बनता है, कि एक आत्मिक रिश्ता उसको बोल सकते हैं, एक एलीसा के अधीन एलीसा की सेवा करना। एलीसा, चूंकि उसको पता था कि एलीसा एक बहुत बड़े भविष्यवक्ता हैं, एलीसा प्रॉफेट हैं, और वो परमेश्वर उनकी सुनता है, हर समय प्रभु उनकी बात को सुनता है, जो कुछ कहते हैं एलीसा और परमेश्वर सुनता है और उत्तर देता है। तो निश्चय ही कहीं ना कहीं सुनेमिन स्त्री को भी ये चीज़ें लगा होगा कि ये साधारण व्यक्ति नहीं है, इसलिए इनका सेवा करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जैसे आज बहुत सारे लोग प्रभु के दास को कहते हैं कि आप प्लीज़ हमारे घर पे आ जाइए, थोड़ा से हमारे लिए प्रेयर कर दीजिए, या हम पर हमारे लिए दुआ कर दीजिए। तो एक ऐसी इच्छा, एक मन की जो एक आत्मिक संबंध होता है वो बड़ा ही सामर्थ्य होता है। प्रियजन, याद रखना, एक आत्मिक संबंध जहाँ पर पवित्रता ही प्रथम स्थान पर होती है, समर्पण, पवित्र समर्पण वहाँ पर होता है, वहाँ पर त्याग होता है, वहाँ पर बलिदान होता है, तो ऐसे प्रभु के दासों को जो है सुनेमिन स्त्री ने अपने घर में जगा दिया था, और तब से लेकर के आज तक एक गहरा संबंध सुनेमिन स्त्री का और एलीशा का है। हालेलुया। और वहां हम इस तरीके से जब पढ़ रहे हैं तो इस घटना को हम पढ़ रहे हैं, इस घटना से हमें आपको क्या समझ में आ रहा है, हमारे आपके जीवन के लिए क्यों ये चीज लिखा गया। एक बात मैं आपको बताता हूं, परमेश्वर जो भी इस पवित्र शास्त्र में, बाइबल में जो भी घटना लिखा गया, जिसका भी जिक्र किया गया, उसको पढ़ने के द्वारा हमें उस परम प्रधान परमेश्वर के चरित्र का एक शक्तिशाली अनुभव मिलता है, कि प्रभु किस रास्ते पर, किस मोड़ पर, कैसे वो इनके लिए काम किया, और कैसे हमारे लिए काम करेगा, कैसे हमारे लिए काम करेगा। वो चीजें यहां पर पवित्र आत्मा सिखाया है, वहां पर ये चीजें प्रभु सिखाया है। प्रत्येक ऐसी सी बातें हैं पवित्र शास्त्र में कि भाई आप कहेंगे कि ये चीज भी चीजें यहां लिख दी गई हैं, हाँ ये चीजें आत्मा ने लिखा है, वहां कोई शर्म की बात नहीं। अगर उन घटना चक्रों को आप पढ़ेंगे तो वहां से परमेश्वर हमें एक सीख देता है, जैसे कि नए नियम में प्रभु यीशु मसीह हमें क्या समझा रहे होते हैं, हमें एक सीख देते हैं। कैसे सीख देते हैं? हम नूह के जमाने की सीख दे रहे थे यीशु मसीह, हैं सदोम और अमोरा की सीख दे रहे थे यीशु मसीह, और योना की सीख दे रहे थे यीशु मसीह, याद रखना, सुलेमान की सीख हमें दे रहे थे यीशु मसीह। क्यों दे रहे थे? जो चीजें पवित्र शास्त्र में लिखा है वो बगैर किसी कारण के नहीं है, वो कारण है वहां लिखना। और जब इस कारण को, जब इस तथ्य को हम लोग ध्यान पूर्वक भक्ति में दशा में, पवित्रता ही की दशा में, याद रखना सबसे बड़ी चीज, यहां कोई झोला नहीं है, यहां कोई घपलेबाजी नहीं है,
प्रभु का जो जीवन है वो पवित्रता ही के साथ है। यहां कोई जादू और टोना नहीं है। यहां अपने जीवन को बदल कर यदि इसके साथ आते हैं तभी आपके लाइफ के लिए एक रास्ता खुला हुआ है, नहीं तो आप उसमें बंधे रहेंगे, कोई समझ में नहीं आएगा, 100 बार पढ़िए कुछ मतलब नहीं निकलेगा। लेकिन जब आप इस वचन के जो तथ्य दिए गए, जो इसमें बलिदान की बातें कही गई, जो इसमें पवित्रता की बातें कही गई, त्याग की बातें कही गई, वचन में जो रहस्य दिया गया है, इसका भेद, इसका रहस्य हमारे सामने तब प्रकट होता है जब हम इस वचन के प्रति समर्पित होते हैं। बाकी आप इसको कुछ भी समझ लीजिए, कोई मतलब नहीं निकलेगा। आप इसको चाहे आप अपने तकिया बनाकर आप इस पर लेटिए, कोई मतलब नहीं निकलेगा। लेकिन जब इसको हम पवित्रता के साथ, समर्पण के साथ और परमेश्वर के बड़े प्रेम के साथ इसके सम्मुख खाते हैं, तो इसमें से जो रहस्य निकलता है वो हमारे जीवन को स्टैंड करता है पवित्रता में, सामर्थ्यवान बनाता है और हमारे जीवन के लिए रास्ता खोलता है। आमेन, हालेलुया। तो प्रियजन, ये इंपॉर्टेंट है, ये लिखा गया क्यों? इससे हमें जो सीख मिलने वाली है, इससे जो हमें दर्शन प्राप्त होने वाले हैं, वो हमारे आपके जीवन को एकदम मजबूत करेगा और हमें गंदगियों से बाहर लेके चलेगा, हमें पाप से बाहर करके लेके चलेगा और आशीषों में लेके चलेगा। हालेलुया। देखिएगा यहां पर सुनेमिन स्त्री का जो संबंध है वो परमेश्वर के दास से है, और यहां पर परमेश्वर के दास से संबंध का मतलब परमेश्वर से संबंध है, क्योंकि जो भी परमेश्वर के दास हैं, जो प्रभु की सेवा के लिए, सेवा की बुलाहट में प्रभु ने उनको ठहराया है, उनको चुना है, ऑलरेडी प्रभु का मस्सा उन पर है और प्रभु उनके अंदर है, उनकी जुबान में है, उनकी आंखों में है, उनके बॉडी के अंदर है। तो यदि आप परमेश्वर के सेवक से, जो जिस कॉलिंग में चलता है, उस कॉलिंग की बात को जब आप सुनते हो और उस कॉलिंग के उस बुलाहट की बात को जो वचन से है वो आपके पास जाती है, जब उसको आप सुन लेते हो और उसे ग्रहण कर लेते हो, वो एक सामर्थ्य में बदल जाता है। और यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर परमेश्वर क्या लिखा हुआ है, यहां पर देखिए, पर दूसरा आयत को अगर गौर से पढ़िए तो वहां एक बात लिखी गई है कि परमेश्वर के भक्त के, ओके, क्या लिखा गया है भाई, परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार, यहां यह नहीं लिखा कि एलिसा के वचन के अनुसार, पर लिखा यह कि परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार वह स्त्री अपने घराने समेत पलिस्तियों के देश में जाकर 7 वर्ष रही। किसके कहने पर? पहला, किसके कहने पर? सुनेमिन स्त्री, वो धनवान स्त्री थी, उसके पास जमीन जायदाद था, पर अकाल के पड़ने के कारण उसने एलिसा नबी की बातों को माना, एलिसा नबी के एडवाइस को माना, सलाह को मान करके वो पलिस्तियों के देश में चली गई। जरा ध्यान से सुनिए, इसका मतलब क्या हुआ कि परमेश्वर का जो कॉलिंग में चलने वाला दास है, जो परमेश्वर का एक सच्चा दास होगा, वो निश्चय ही अपने लोगों के लिए एक सही सलाह देगा, पहली बात। और उस सलाह में आपका कुछ खोएगा नहीं, सब कुछ प्राप्त होगा। ये बात नोटिस करके रखिए, क्यों इस बात को प्रभु आज सिखा रहा है आपको, क्योंकि याद रखिएगा, आप परमेश्वर के जो आपको वचन सिखा रहे हैं, 2 गुने आदर के योग्य होंगे, वचन में लिखा है। यदि आप वचनों को पूरा कर रहे हैं तो आप परमेश्वर को आप देख पाएंगे, परमेश्वर के बल को देख पाएंगे, उसकी सामर्थ्य को देख पाएंगे। देखिए यहां पर परमेश्वर का भक्त परमेश्वर नहीं है, परंतु परमेश्वर के कॉलिंग किसकी है? परमेश्वर की है। और वो कॉलिंग किसको दिया है? अपने चुने हुए जन को कॉलिंग दे दिया। बुलाहट का मतलब क्या होता है भाई? बुला लिया प्रभु ने, जिसे प्रभु बुलाता है उसने, उसे अपनी बातें भी तो देता है, उसे अपने रहस्य की बातें बताता है, उसे बहुत सारे रहस्यों को प्रकट कर देता है उसमें। हालेलुया। देखिए बातों को समझिएगा, जब अकाल आता है तो सुनेमिन स्त्री किससे बात करती है? तो आप कहेंगे एलिसा से। एलिसा से वो राय लेती है, एडवाइस लेती है कि अब हम क्या करें, चूंकि अकाल पड़ने वाला है, हम क्या खाएंगे, सब कुछ तो सूखा पड़ गया, वो भी 1 वर्ष के लिए नहीं, 7 साल के लिए अकाल पड़ गया है। तो एलिसा का और सुनेमिन स्त्री का जो संबंध था वो आत्मिक संबंध था। जरा ध्यान से सुनिएगा भाई, स्वार्थ का नहीं। एक महीने में एक बार आप चर्च आकर के प्रार्थना कर रहे हैं, ले हैंड करवा रहे हैं, उसके बाद नदारद, कभी आप नहीं वापस आए,
या कभी कभी आप आ गए तो हाँ प्रार्थना करा लिए, फुर्सत लेहन करा लेना, बस हो गया काम भैया, प्रार्थना हमने हो गया। नहीं नहीं नहीं, आपका संबंध कैसे है? मतलब ये कि हमारा, आप तात्पर्य समझिए, आपका संबंध परमेश्वर से कब होता है, कैसे आप परमेश्वर को पाते हैं। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने पूरे इसराइलियों को 400 साल गुलामी की दशा में रहे और उन्हें छुड़ाने के लिए एक व्यक्ति का इस्तेमाल किया। आप कहेंगे आप उससे परमेश्वर क्यों नहीं छुड़ा सकता, परमेश्वर भी छुड़ा सकता है, लेकिन परमेश्वर को एक बॉडी की जरूरत है, परमेश्वर को एक शरीर की जरूरत है, तो उसने मूसा को चुन लिया। अब मूसा के भीतर से मूसा की प्रार्थना को सुनने वाला कौन थे? परमेश्वर थे। अब मूसा के ऊपर जो कॉलिंग थी, जो बुलाहट ये थी कि वो लोगों को वहां से बंदिशों से अलग करके एक स्वतंत्र स्थान पर लेके आए जहां परमेश्वर और उसके लोग रहें। तो परमेश्वर ने उसको पहाड़ पर, सीनई पहाड़ पर बुलाया और उसे वो बहुत सारी चीजें उनको दिखाई, सामर्थ्य दिया, प्रभु ने अपने चमत्कारों को दिखाया और कहा कि जा मैं तेरे साथ साथ रहूंगा, और ये चीज वो विश्वास करके चला गया। और हम देख पाते कि वहां पर लाखों, लगभग 200 लाख इजरायली, वहां से एक व्यक्ति मूसा के द्वारा छूट के बाहर आते हैं। आते कि नहीं आते, सही है। अब आप ये नहीं कह सकते कि वहां पर देखो छुड़ाया तो परमेश्वर ने, पर वहां पर किसको ठहराया उसने? एक व्यक्ति को ठहराया जिससे हम बात कर सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, जिससे हम अपनी बातों को कह सकते हैं। जैसे आज आप जब चर्च में आते हैं तो आप अपनी प्रार्थनाओं को भी देते हैं, प्रार्थना रिक्वेस्ट को देते हैं कि आप मेरे लिए प्रार्थना करिए, मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना करिए, मेरे इसके लिए प्रार्थना करिए। यदि वहां पर परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया गया अगर कोई व्यक्ति नहीं रहे, तो आप में हम समझते हैं कि आपके समाधान आप कैसे उसको कर पाएंगे, किस तरीके से परमेश्वर को महसूस कर पाएंगे। याद रखिए कि परमेश्वर को एक व्यक्ति की जरूरत होती है, वो हाड़ और मांस में रहने वाले व्यक्ति की जरूरत है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है, और जो आत्मा है वो कैसे आपसे इस तरीके से प्रकट होकर के आपसे बात कर सकता है, याद रखना। इसीलिए वो अपनी उपस्थिति, अपने वचन के अनुसार एक व्यक्ति को नियुक्त करता है जिसके माध्यम से वो आपको सिखाता है, जिसके माध्यम से परमेश्वर के रहस्य के बारे में बताता है, और वहां पर आपका उस व्यक्ति के साथ जो वो सिखा रहा है, जो आप उसे एक अगुआ मान सकते हैं, आप उसके आत्मिक पिता मान सकते हैं, उससे हमारा एक संबंध कैसा होना चाहिए? शारीरिक नहीं, एक आत्मिक संबंध होना चाहिए। आत्मिक संबंध का मतलब यह है कि यदि वो अगर वो आपको डांटता भी है तो आपको खुश होना है, यदि वो आपको कुछ सलाह देता है तो उस पर आपको चलना है, तभी तो वहां पर आपके लिए परमेश्वर की उपस्थिति प्रकट होगी, खुदावन का आत्मा आपके लिए जाहिर होगा, याद रखना इस बात के लिए। और उसी तरीके से आज यहां पर सुनेमिन स्त्री को, जब वो सुनेमिन स्त्री जहां रहती थी वहां पर अकाल पड़ गया, तो वहां पर वो उसका संबंध किससे है? एलिसा से। और एलिसा कौन है? परमेश्वर का भक्त है। अब एलिसा परमेश्वर का भक्त है, तो जिस तरह से एलिसा का संबंध परमेश्वर से है, उसी तरीके से सुनेमिन स्त्री का संबंध एलिसा से है। जरा ध्यान से गौर करके सुनिएगा, एक आत्मिक जन का संबंध एक आत्मिक व्यक्ति से ही हो सकता है। हाँ, कोई अगर फ्रॉडगिरी करने वाला आदमी है, कोई व्यभिचार करने वाला आदमी है, तो कभी भी एक सच्चे भक्त से, परमेश्वर के सच्चे दास से कभी भी वो उसके साथ नहीं बैठ सकता, याद रखिएगा, वो बिल्कुल वहां से अलग ही रहेगा। और यहां पर हम देखिएगा, जब अकाल का टाइम आता है तो सलाह देने वाला कौन रहा? अब वहां पर हम देखेंगे, क्या देखते हैं अगर सही से पहला वचन पढ़े, जिस स्त्री के बेटे को एलिसा ने जिलाया था, उसने उससे कहा था कि अपने घराने समेत यहां से जाकर जहां कहीं तू रह सके वहां रह, क्योंकि यहोवा की इच्छा है कि अकाल पड़े। 7 वर्ष का अकाल रहेगा। देखिए ये बातें कौन कहता है? एलिसा कहता है। किससे कहता है? सुनेमिन स्त्री से कहता है। क्यों सुनेमिन से कहता है? क्योंकि सुनेमिन का और एलिसा का जो संबंध है वो आत्मिक संबंध है, स्पिरिचुअल रिलेशन है, एक मजबूत रिश्ता है वहां पर। और इस मजबूत रिश्ते के कारण परमेश्वर अपने लोगों को कभी छोड़ता नहीं, उनको कभी नाश होने के लिए नहीं छोड़ता है, परंतु उनको बचाने का प्रयास करता है। उदाहरण के लिए
उदाहरण के लिए अगर हम अब्राहम को देखें और अब्राहम के भतीजे को देखें जो सदोम और अमोरा में बिजनेस के माध्यम से बिजनेस करने के उद्देश्य से वहां गया हुआ था, लेकिन सदोम और अमोरा को एक टाइम ऐसे आया कि परमेश्वर उसे नाश करने वाले थे, पर सदोम और अमोरा नाश करने वाले थे वहां पर एक व्यक्ति के कारण, एक परिवार के कारण। क्या किया परमेश्वर वहां, उसको जाना पड़ा और परमेश्वर ने क्या किया, उस लूत को वहां से बाहर किया और उसके बाद तब सदोम और गमोरा को क्या किया, नष्ट किया। हमारी बातों को समझिए कि अब्राहम का जो संबंध था वो परमेश्वर से कितना गहरा था, ये बात का अंदाजा आप लगाइए। और अब्राहम के फैमिली को परमेश्वर नहीं चाहता कि वो नाश हो। उसी तरीके से आपका भी एक परिवार है, एक परिवार का मतलब आप अपने घर पे हैं, परंतु आपका एक परिवार यहाँ भी है जो आपको वचन दे रहा है, जो आपकी सेवा करता है, वचन के द्वारा आपकी सेवा करता है और आपके लिए दिन रात घुटना टेकता है, आपके लिए 2400 घंटे प्रेयर चलती रहती है आपके भलाई के लिए, आपके उन्नति के लिए। तो वो भी आपका एक फैमिली है, वो भी आपका एक परिवार है। और जब आपका इस तरीके का एक प्रस्तुति होता है प्रभु के दासों के प्रति आत्मिक तरीके से, तो परमेश्वर के दास की हर दुआएं आपके जीवन के लिए काम आती हैं। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।